नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। एक छोटी सी बात, डर के आगे जीत है। लेकिन डर को सॉल्व ना करते हुए आगे जीत का कोई वैल्यू नहीं है। वेयर योर फियर इज देयर इज योर टास्क। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है, हमारा जो डर है, फियर है, उसको सॉल्व करके, उसको ओवरकम करके, उसके ऊपर जीत हासिल करके ही हमें हमें आगे बढ़ना है। नहीं तो क्या होगा, शायद हम उस पार्टिकुलर डर को आंख मूंद के आगे चले जाएंगे। हमें लगेगा कि वो पार हो चुका है, वो खत्म हो चुका है। लेकिन वही जो फियर है, इन सम फॉर्म और द अदर, विथ द सेम मैग्नीट्यूड और बिगर मैग्नीट्यूड पे आने वाले दिन में तैयार रहेगा, हमें फिर डिस्टर्ब करने के लिए, हमें फिर चैलेंज करने के लिए। दैट इज वाई जब भी अपना कोई फियर है, उस फियर को अटेंड करना है, उस फियर को रिजॉल्व करना है, उस फियर को सॉल्व करना है, उस फियर के ऊपर जीत हासिल करना है, ताकि आने वाले दिन में जब हम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो यही डर, इस पार्टिकुलर डर, जो भी पार्टिकुलर डर है, वो पार्टिकुलर डर रास्ते के आने वाले दिन में, रास्ते के अगले मोड़ पे ना खड़ा हो, हमें फिर मीन्स डिस्टर्ब करने के लिए, हमें फिर टेस्ट करने के लिए कि भाई अभी तक तुमने ये काम कंप्लीट नहीं किया है, इसको कंप्लीट कर। तो अगर हमें ये चाहिए कि आने वाले दिन में ये पार्टिकुलर डर हमें डिस्टर्ब ना करे, तो हमें इस पार्टिकुलर डर को अटेंड करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा और उसके ऊपर जीत हासिल करना पड़ेगा। दैट इज वाई वेयर योर फियर इज देयर इज योर टास्क। आपका काम वहीं पे है, उसको इग्नोर मत कीजिए, उसको अवॉइड मत कीजिए, उसको आंख मूंद के बाईपास करने का कोशिश मत कीजिए, क्योंकि अगर हम वो करेंगे तो आने वाले दिनों में रास्ते के अगले मोड़ पे कहीं ना कहीं वो फिर अपना शक्ल चेंज करके, अपना टेक्सचर चेंज करके, अपना इंटेंसिटी चेंज करके हमें फिर डराने के लिए बैठे रहेंगे। तो डर के आगे जीत है, ये कहावत जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है, लेकिन वो डर को जीत के हमें आगे बढ़ना है। तो अभी के लिए इतना ही। आप सभी का दिन शुभ हो। धन्यवाद।